हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ जिसे आप जानते नहीं, जल्दी जान जाओगे। आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के टॉप 10 सूट्स के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडरमैन रेसलिंग सूट। इस सूट को हमने सैम रायमी के स्पाइडरमैन में देखा था। ये सूट जितना इनकम्प्लीट था, उतना ही इसने पीटर को कंप्लीट किया था एज अ स्पाइडरमैन। यहीं पर पीटर को उसके पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है और वो एक और प्रॉमिस अपने आप से करता है कि वो कभी भी किसी क्रिमिनल को मारेगा नहीं जान से। नंबर 9, स्टेल्थ सूट। बात करें सूट की तो इसने अपना काम पूरी तरीके से किया है। मूवी में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि इस सूट को यूज़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि पीटर है। पर यह सूट बाकी स्पाइडरमैन के सूट की तरह कूल और कैची नहीं था। मुझे लगा था कि यह सूट पीटर को इनविजिबल करेगा, जैसे टोनी ने आयरन मैन 3 में बात की थी अपने सूट को इनविजिबल करने की रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल यूज़ करके। नंबर 8, रेड एंड ब्लैक स्पाइडरमैन सूट, या यूं कहूं फार फ्रॉम होम स्पाइडरमैन सूट। दोस्तों आपको पता नहीं, लेकिन मुझे स्पाइडरमैन अपने क्लासिक कलर यानी रेड एंड ब्लू में ही पसंद है। इस सूट को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में देखा था और मुझे सूट पसंद आया था, लेकिन अब स्पाइडरमैन धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहा है जो मुझे अब नहीं पसंद है। नंबर 7, होमो सूट। ये सूट हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिला था, जहां टोनी इस सूट का मजाक उड़ाता है। ओह गॉड, तुम्हें इससे दिख जाता है क्या? दिखता है, दिखता है। मुझे इसमें छोड़िए, देखिए मुझे इसमें से सब कुछ दिखता है। ओके। फिर हमें ये सूट स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिला, जहाँ टोनी के सूट लेने के बाद पीटर ने अपने पुराने सूट को एक्सेप्ट किया और वल्चर से फाइट की। नंबर 6, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सूट। सैम रायमी के स्पाइडरमैन को रिबूट करके दी अमेजिंग स्पाइडरमैन जब आई, तब मैं थोड़ा उदास था क्योंकि उस टाइम पर मेरे लिए सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन था। लेकिन जब मैंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी को देखा तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि हमें नया सूट और एक मैकेनिकल वेब शूटर देखने को मिला था और जो कि काफ़ी कूल था। नंबर 5, सिम्बियोट सूट। सच बताऊं, नंबर 4, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सूट। अब आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए ये सूट अब तक का सबसे अच्छा सूट रहा है। मेरी नज़र में ये नंबर 1 पर है। इस सूट में क्लासिक कलर था रेड एंड ब्लू का, और काफ़ी तगड़ा वाला स्पाइडर लोगो था, और बड़ी बड़ी कैची आँखें। मतलब सबसे बेस्ट इसमें जो मैं लगा है वो था इसका स्पाइडर का लोगो, सच बता रहा हूँ। नंबर 3, होमकमिंग सूट। मैंने सूट को इस पोजीशन पर सिर्फ टोनी स्टार की वजह से रखा है और इसमें इनबिल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से, वरना ये सूट मुझे स्पाइडरमैन का नहीं बल्कि किसी बच्चे का सूट लगता है। हाँ, मानता हूँ कि मूवी में पीटर को टीनेज का दिखाया गया है, लेकिन यार कम से कम स्पाइडरमैन को तो बच्चा नहीं दिखाते। अब ये कौन आ गया? अवेंजर्स की टीम को इन्होंने सर्कस बनाकर रख दिया है। वाओ, लोहे का हाथ। ये हाथ मुझे दे दे गुरु। यार डायलॉग तो पूरा बोलने का सीख लेने का मिलन। नंबर 2, आयरन स्पाइडर सूट। ये सूट हर तरीके से लाजवाब है। ये दिखने में कूल है, टेक्नोलॉजी शानदार है, और क्यों ना हो, आखिर बनाया भी तो टोनी ने है। ये बुलेट प्रूफ है और इसमें एक्स्ट्रा मैकेनिकल आर्म भी है। सर्जिस के दर्जी आप हो क्या? क्या फिटिंग है? नंबर 1, ओरिजिनल सैम रायमी स्पाइडरमैन सूट।
देखो चाहे कितने भी स्पाइडरमैन के सूट आ जाएं, लेकिन इस सूट की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। देखो मानता हूँ ये बुलेट प्रूफ नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा मैकेनिकल आर्म्स नहीं है, लेकिन इस सूट में कोई खराबी भी नहीं है। हम अगर सबसे पहले स्पाइडरमैन के बारे में सोचते हैं तो हम सैम रैमी के स्पाइडरमैन की ही याद आती है। आखिर आए भी क्यों ना, ये हमारे बचपन का सुपर हीरो रह चुका है। कौन हूँ मैं? मैं हूँ स्पाइडरमैन। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपना फेवरेट सूट कमेंट में लिखना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। सो बाय।